नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। जैसा कि साथियों एक धरना बताया गया था आपको कि जो भी हमारे बैक प्रशिक्षु साथी पास हुए हैं उनको 17 तारीख को पीएनपी प्रयागराज पहुंचने के लिए बताया गया था। आज धरने में क्या बात हुई, पीएनपी सचिव से मुलाकात हुई या नहीं हुई, यह सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। यह वीडियो और यह धरना केवल इसीलिए वहां हुआ था कि जिससे आप सभी के चतुर्थ सेमेस्टर की डेट शीट जल्द से जल्द आ सके और आप आने वाली आगामी शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकें। तो साथियों वीडियो को अंत तक देखिएगा और यह वीडियो अपने हर एक ग्रुप, हर एक संस्थान, हर एक भाई के साथ, बहन के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे आज जो कुछ भी पीएनपी प्रयागराज पर हुआ है वह एक संक्षेप में हर एक बात जान सके। साथियों यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यह आपका चैनल है, आपको हर एक प्रशिक्षु के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा। आज के धरने में डीएलएड 2019 संयुक्त मोर्चा संघ उत्तर प्रदेश के द्वारा एक पत्र पर दिया गया, जिसमें श्रीमान सचिव परीक्षण एवं प्राधिकारी जी को लिखा गया। विषय था डीएलएड 2019 बैच द्वितीय सेमेस्टर में सफल बैक प्रशिक्षुगणों का तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट कर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित कराए जाने के संबंध में। मतलब जो भी हमारे बैक प्रशिक्षु साथी पास हो चुके हैं उनको तृतीय सेमेस्टर प्रोन्नत का लाभ मिले और चतुर्थ सेमेस्टर की जल्द से जल्द परीक्षाएं कराई जाएं। परंतु साथियों यह देखकर आज मैं बहुत दुखी हूं कि आप सभी संख्या बल लेकर नहीं पहुंचे। आज हमारे वतन चौधरी भाई, पुष्पेंद्र पांडे जी, हरिओम भाई, पवन भाई, शुभम भाई, इतने कम लोग वहाँ देखने को मिले। संख्या बहुत ही शर्मनाक थी हमारे लिए कि आप सभी लोग धरने में नहीं पहुँचते हैं। मैं चेक करता हूँ, देखता हूँ कि आप लोग व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह बहुत एक्टिव रहेंगे कि मैं आऊँगा, मैं आग लगा दूंगा, मैं 100 आदमी लाऊँगा। परंतु आप जब मौके की लड़ाई होती है तो क्या है किसी वतन भाई की अकेले की लड़ाई है, पुष्पेंद्र भाई की अकेले की लड़ाई होती है, या आपके लिए ही जा रहे हैं? आप सहयोग नहीं करेंगे तो कोई भी जीत उनको नहीं मिल पाएगी, धरना सफल नहीं हो पाएगा। आज सचिव जी वहां नहीं थे, जिसके कारण सोमवार को पुनः पुष्पेंद्र जी और वतन भाई, हरिओम भाई, कई लोग वहां जाएंगे। तो मैं यही आशा करूंगा कि जो साथी हर बार केवल व्हाट्सएप पर ज्ञान देकर चले जाते हैं कि मैं आऊँगा, कृपया इस बार घर से निकलिएगा, अन्यथा की स्थिति में चतुर्थ सेमेस्टर लेट होगा तो आप सभी आगामी शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे। या मैं स्पष्ट बोले दे रहा हूँ, आप लोगों को ही घर से निकलना होगा। मैं बार बार वीडियो बनाता हूँ, हर मुद्दे को उठाता हूँ, परंतु आप लोग केवल यहाँ कमेंट बॉक्स में 50 लोग लिख देंगे कि मैं आऊँगा, परंतु आप धरने वाले दिन वहाँ नहीं दिखते हैं। यह हम लोग की कमजोरी है। यह देखिए, यह फोटो बयां कर रही है कि कितने कम लोग थे आज धरने में, जिसमें हमारे बहुत कम साथी पहुँचे। रजत भाई भी थे वहाँ, वह पुष्पेंद्र भाई, वतन भाई, हरिओम भाई, इतने कम साथी जाएंगे तो क्या सफलता मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। तो मैं यही बार बार बोल रहा हूँ आपसे, सोमवार को जो साथी हों अपने भविष्य के लिए घर से जरूर निकलें, अन्यथा की स्थिति में बहुत पछताना पड़ जाएगा आपको। शिक्षक भर्ती में थोड़ा भी लेफ्ट राइट करेंगे तो समस्या आगे तक हो जाएगी आपको। तो साथियों मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन कर रहा हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और धरने में जरूर आइएगा। वीडियो भले मत आप शेयर कीजिए, परंतु आप धरने में जरूर आइए, जिससे आप एक कुशल जीवन जी सकें और आगामी शिक्षक भर्ती में बैठ सकें। तो साथियों वीडियो यही था, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।